शाहरुख खान की फिल्म के कुछ दृश्यों को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने आपत्ति जाहिर की है। एमपी के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि फिल्म की वेशभूषा और दृश्यों को ठीक किया जाए, अन्यथा फिल्म पठान को मध्य प्रदेश में चलने दिया जाए या न चलने दिया जाए, इस पर विचार होगा। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज कर दिया गया है। इसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने बेहद हॉट और बोल्ड सीन दिए हैं। इसे लेकर फिल्म का विरोध शुरू हो चुका है। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि फिल्म के गाने में वेशभूषा प्रथम दृश्य बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि यह गाना दूषित मानसिकता के कारण फिल्माया गया है। वैसे भी दीपिका पादुकोण टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए, यह विचारणीय प्रश्न होगा। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी फिल्म के सीन्स पर आपत्ति जताई है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने भी फिल्म के दृश्यों पर आपत्ति जाहिर की है। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।